सो हे नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है युवराज और आप सभी का इस नए वीडियो के अंदर मैं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आपको रीबूट प्रॉब्लम को फिक्स करना है। कुछ फोन के अंदर अपडेट करने के बाद एक प्रॉब्लम आया जिससे जब भी आप एक या फिर दो दिन फोन को यूज करके उसको रीबूट करते तो बार बार बूट लोगो पे स्टक हो जाता है। फिर चाहे आपके पास रेडमी का, पोको का या फिर मी का फोन है, उसका जो बूट लोगो आता है, बूट स्क्रीन, उसके ऊपर स्टक हो जाता है। दो से तीन बार इसको रीबूट करना पड़ता है, तब यहाँ पर MIUI का एनिमेशन आता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको इसका परमानेंट फिक्स बताऊंगा, कैसे आपको उसको परमानेंटली अपने फोन से फिक्स कर देना है। तो दोस्तों मैंने जब से Redmi Note 9 Pro को अपडेट किया है Android 11 पर, तब से मेरे फोन के अंदर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। तो इसको फिक्स करने के लिए दोस्तों आपको ना तो फोन को रूट करने की जरूरत है, ना तो आपको TWRP या फिर दूसरे कोई भी रिकवरी की जरूरत पड़ेगी। सिंपल सा ट्रिक है, बस आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सेट एडिट इस ऐप का नाम है। आपने इससे पहले भी इसको यूज किया होगा कंट्रोल सेंटर को फिक्स करने के लिए। तो दोस्तों सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर फाइंड करना है डिवाइस लेवल लिस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा लाइन लिखा है डिवाइस लेवल लिस्ट। आपके फोन का जो वैल्यू होगा वो डिफरेंट होगा, तो आपको यहाँ पर सही से इसका वैल्यू उसको एडिट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे फोन का वैल्यू है V1C2NZ2। तो इसके ऊपर आपको टैप करना है, यहाँ पर आपको टैप करना है, एडिट वैल्यू पर क्लिक करना है। अभी दोस्तों यहाँ पर जो C2NZ2 है, आपके फोन के अंदर C1 या फिर G1 हो सकता है, तो उसको आपने चेंज कर देना है। यहाँ पर आपको चेंज करके G3 कर देना है और यहाँ पर C का वैल्यू उसको भी आपने 3 कर देना है। इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर वैल्यू है उसको V1C3NG3 करके सेव कर देना है। सेव हो जाने के बाद दोस्तों अगर अभी आप इसको रीबूट करेंगे तो आपके फोन के अंदर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा और आप इसको इंस्टेंटली रीबूट कर पाएंगे, यानी कि आपका फोन अभी बार बार बूट लोगो पे स्टक नहीं होगा। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इंस्टेंटली ये रीबूट हो चुका है। मैंने इससे पहले भी अपने फोन के अंदर इसको कर लिया था, तो इस वजह से मेरे फोन के अंदर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम अभी नहीं रहा है। तो अगर आपको भी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो आप इस ट्रिक को ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपके फोन के अंदर ये ट्रिक वर्क करे तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसे और भी नए ट्रिक्स के लिए, वीडियोस के लिए आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।